नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। लॉर्ड्स और लीड्स टेस्ट में सिक्योरिटी तोड़कर बीच मैदान पर पहुंचा इंग्लिश मूल का भारतीय फैन जार्बो तो सबको याद होगा। उसकी इस हरकत पर लीड्स के ग्राउंड पर उसे बैन कर दिया गया है, लेकिन ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में वो एक बार फिर बीच मैदान में पहुंच गया और भारत के लिए गेंदबाजी करने लगा। इस बीच गेंदबाजी के लिए तैयार उमेश यादव जार्बो को देखकर बगल हो गए। जार्बो गेंदबाजी करने के स्टाइल में तेजी से मैदान पर दौड़ता हुआ आया और इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो से टकरा गया। इतने में एक बार फिर से सुरक्षाकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी और जार्बो को पकड़कर जबरदस्ती बाहर करना पड़ा। वहीं लगातार मैच के बीच इस प्रैंक स्टार जार्बो के पहुंचने से सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, तब भी जार्बो भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में घुस आया था और भारतीय खिलाड़ियों से गेंदबाजी करने के लिए गेंद मांगने लगा था, जिसके बाद वहां जब इसे निकालने की कोशिश की गई तो जार्बो ने जर्सी की तरफ इशारा करते हुए बताया था वह भारतीय टीम का सदस्य है। बड़ी मुश्किल के बाद जार्बो को मैदान से निकालकर बाहर किया जा सका था। इसके अलावा लीड्स के हेडिंगले में जब तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और दूसरी पारी में रोहित शर्मा का विकेट गिरा, तब एक बार फिर जार्बो बैटिंग गियर पहनकर मैदान में घुस आया। सिक्योरिटी गार्ड्स को फिर से जार्बो को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इंग्लैंड में ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि ऐसा लगातार हो रहा है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से ये चिंता की बात है। अब देखना होगा कि लीड्स के मैदान की तरह ओवल में भी जार्बो को बैन किया जाता है या नहीं।